मेरा नाम सुधीर कुमार गौतम है। दुनिया मुझे इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा फैन मानती है। 19 जनवरी 2001 में ईडन गार्डन में पहली बार लाइव मैच देखने के बाद मैंने सोच लिया था कि मेरा पूरा जीवन देश और इंडियन क्रिकेट टीम के नाम। दो में मुजफ्फरपुर से जमशेदपुर आने जाने में 1100 किलोमीटर साइकिल चलाए। 2003 में 18 दिनों साइकिल चला के मुंबई पहुंचे और 2 दिन वानखेड़े स्टेडियम में ही रात बिताई। मैंने अपना एग्जाम भी मिस किया क्योंकि सचिन सर को लाइव देखने की इच्छा थी। 2003 में गांव से बैंगलोर जाने में ट्रेन से 60 घंटे लगे, लेकिन 3 ट्रेन बदल के मैं गया, वो भी बिना टिकट, क्योंकि टिकट के पैसे नहीं थे और मुझे मैच देखना था। अपना खर्चा चलाने के लिए कोई छोटी मोटी जॉब कर लेते, लेकिन जब मैच होता है तो मैं जॉब छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरा स्टेडियम में होना जरूरी है। जब 2011 वर्ल्ड कप जब उठाए, सचिन सर ने उठा के सेलिब्रेट किए, उसके बाद मैं बिना टिकट पकड़े गए। टीटी ने मुझे समझाया कि सचिन सर का इससे नाम खराब होगा। फिर मैंने उसी दिन से काम पकड़े कि आज के बाद सर मैं कभी भी बिना टिकट यात्रा नहीं करूंगा। 2007, 2011, 2012 3 बार मैं बांग्लादेश साइकिल से गया और तीनों बार मुझे लगभग 1600 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ी। 2006 में मैंने पाकिस्तान साइकिल से ही गए, 1700 किलोमीटर जाने और 1700 किलोमीटर आने में लगे। ये वही झंडा 3 मीटर की है जो हम स्टेडियम में लहराते हैं और घर पे सिलवाने के बाद इस अशोक चक्र बनाने के लिए मुझे कलकत्ता जाना पड़ता। मैच से एक रात पहले मैं खुद अपने बॉडी को तिरंगे में रंगता हूँ, पूरी रात सोता भी नहीं हूँ, कुछ खाते भी नहीं, और ये तिरंगे की शक्ति है जो मुझे भूख भी नहीं लगती। सच बोलूं तो कई बार पैसे भी नहीं होते। जब भी कोई मुझसे फोटो मांगता है तो मैं सर झुकाकर फोटो देते हैं, क्योंकि ये देश से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी बस एक ही इच्छा है, जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं स्टेडियम में तिरंगा लहराता रहूं।